अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर खत्म ना। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की न्यू वीडियो। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि वलीद जो है वो रजब भाई को क्यों छोड़ कर किया है, ऐसे क्या वजह बनी है कि वो इनको छोड़ कर जो है ना, मतलब कि घर के पास उसको जॉब मिली है तो वो वहाँ गया है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड ख़राब कर दिया। सारी तफसील है इस वीडियो के अंदर, वीडियो का पूरा बात करना है। रजा फैमिली से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो तीन चार बातें नोट करने वाली, तो बहुत अहम बातें हैं। सबसे पहली बात जो नोट करने वाली वो यही है कि मुझे जहाँ तक लगता है वलीद यूट्यूब चैनल बना रहा है। What? उसके बाद वो कोई ऐसी जॉब कर रहा है, मतलब कि जो उसके घर के भी करीब है, और वहाँ से उसको सोशल मीडिया से भी मतलब कि ना स्पॉन्सर वगैरह होने हैं। तो वो इस तरह के कोई लालच के अंदर हो सकता है पढ़ रहा हो सकता है ना पढ़ रहा हो, ये कन्फर्म तो नहीं है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बहरहाल वलीद जहाँ तक मुझे लगता है सोशल मीडिया स्पेशली यूट्यूब चैनल बनाएगा, और 80% चांस है वो यूट्यूब चैनल बनाएगा, हो सकता है ना बनाए, क्योंकि वैस ने बनाया था तो लाजमी नहीं है कि ये भी बनाए। लेकिन रजब ने भी ये चीज़ें कही हैं कि तुम लोगों की बातों में ना आना। हाँ, आपने ब्लॉग देखा होगा, रजब ने उसे कहा है कि तुम लोगों की बातों में ना आना, लोग तुम्हें गुमराह करेंगे, लोग तो तुम्हें कहेंगे कि तुम रजब से लहदा हो जाओ, तुम ये कर लो वो कर लो। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो वलीद को खुद समझदार है, उसको सोचना चाहिए कि रजब के साथ जो उसको इज्जत मिली है, जो उसको एक मकाम मिला है। सिक्योरिटी गार्ड तो हर जगह होता है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी गार्ड की ज़िंदगी वलीद जैसी होती है, जिनके साथ वो रहते हैं वो सेलेब्रिटीज़ होती हैं। तो वलीद को खुद सोचना चाहिए, अगर वो जाएगा तो उसकी इज्जत चली जाएगी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, उसको वो मकाम उसके पास नहीं रहना जो रजब के पास था। तो यार ये वीडियो वलीद तक पहुँचा दो रजब फैमिली, ये लाजमी आपके एक काम मैंने लगा दिया कि हमें ये वीडियो वलीद भाई तक पहुँचानी है कि वो जो मतलब के काम कर रहा था ना रजब भाई के साथ, वो उसके लिए बेहतर था। अब वो छोड़ कर जाएगा, किसी के भी साथ रहेगा, कोई भी जॉब करेगा उसको वो सूट नहीं करेगी। दूसरा ये कि रजब भाई की तरह उसको किसी ने इज्जत नहीं देनी चाहिए, कहीं भी वो जॉब कर ले। अच्छे लोग हैं यार, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन रजब के साथ उसका एक मकाम था, और रजब के साथ लोग जो है ना उसके लिए बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते थे। तो मेरा जो बात करने का मकसद है वो यही है कि वहीद भाई, अगर आप मेरी वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ ना छोड़े रजब को, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होने वाला है अगर आपने छोड़ दिया। अरे टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना वो तकरीबन छोड़ चुका है, 95% ही शायद ना छोड़े। तो मेरा ये कहने का मकसद सिर्फ यही है कि यार कहीं भी अगर आप जॉब करो तो कोई भी इंसान है तो वो एक जगह पक्का रहे, ठीक है, ताकि उसकी इज्जत बहार रहे। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुना देता हूँ, ठीक है, कि एक मैंने सोशल मीडिया पर ही वो स्टोरी सुनी थी कि ना एक सिक्योरिटी गार्ड था, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं उन्हें किसी जगह ना जॉब करता था प्राइवेट, और वहाँ ना डाकू आ गए, वो मतलब कि जहाँ जॉब करता था उस पर डाका डालने डाकू आ गए। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने इतनी बहादुरी की कि तीन डाकुओं का उसने अकेले मुकाबला किया, उसने उन पर फायरिंग की है और डाकू भगा दिया। और जब वो मतलब कि CCTV में उसके मालिक ने देखा जहाँ वो जॉब करता था, तो उसका जो मालिक था उसने उसको ना काफ़ी ज़्यादा इनाम दिए, उसको अप्रिशिएट किया है। तो वलीद को भी ये देखना चाहिए कि अगर आपको अच्छे मालिक मिल रहे हो, अच्छे आपके पास जॉब हो, तो वो उसको नहीं छोड़नी चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को, चाहे आपको जितने की भी ऑफर हो, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को लोग गुमराह करने के लिए ये काम कर रहे होते हैं। लोग चाह रहे होते हैं यहाँ ये खुश क्यों है, यहाँ इसको लोग जानते क्यों हैं, तो ये उसको समझना चाहिए। रजब के पास और आ जाएगा, लेकिन रजब के एक साल डेढ़ साल का ताल्लुक था उसके साथ, तो
ये उसको खुद सोचना चाहिए, रजब को या रजब फैमिली को तो ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। रजब फैमिली तो उससे कुछ नहीं कहना, जहाँ भी मिलेगा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अगर वो रजब के साथ मुखलिस रहा तो मुखलिस रहने से मकसद ये है कि वो उसने रजब भाई की लाज रख ली, कहीं भी रहे यूट्यूब चैनल बनाए लेकिन रजब के खिलाफ बातें ना करे तो उसकी इज्जत रह जाएगी। बड़ा हरामी हो बेटा। अब अवैस की कौन सी इज्जत रहेगी, ये उसने वीडियोस बनाई हैं सोशल मीडिया पर, प्रोपेगेंडा किया है। तो बहरहाल रजब फैमिली से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कोई तरीका है भीख मांगने का? हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।